बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके जाने माने अभिनेता डैनी डेंजोंगपा ने बॉलीवुड की सबसे चर्चित और बेहतरीन अदाकाराओं में से एक प्रवीण बॉबी से अपने रिश्ते को लेकर हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया था। देखा जाए तो ऐसा पहला मौका नहीं था जब वो अपनी और उनके रिश्ते को लेकर खुद कर बात करते हुए सामने आए हों। बता दें कि 70 के दशक में करीब 4 साल तक डैनी और प्रवीण का अफेयर रहा था। इन दोनों ने बिना शादी के ही साथ रहने का फैसला तक कर लिया था, जो उस वक्त मानो काफी बड़ी बात थी। वैसे डैनी की मानी जाए तो उन दोनों के ब्रेकअप आपसी सहमति से ही हुआ था, लेकिन रिश्ता टूट जाने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। वैसे इनके ब्रेकअप के बाद भी डैनी के घर पर और उनके बेडरूम में प्रवीण को काफी बार देखा गया था। कई फोटो सामने आई थी, कई बार खबरें सामने आई थी, तो खुद डैनी ने भी इसका खुलासा किया था। आपको बता दें कि फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में डैनी ने बताया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रवीण उन्हें अक्सर ही डिनर पर बुलाया करती थी, लेकिन उस वक्त तक किसी और को वो डेट कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पैकअप के बाद वो फिल्म के सेट से जब घर पे जाया करते थे तो वहाँ पर प्रवीण पहले से ही मौजूद होती थी। उनके बेडरूम में वो VCR पर मूवी चला कर देखा करती थी। उन्होंने प्रवीण को कई बार मना तक किया, लेकिन प्रवीण कहा करती थी कि उनके बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो सिर्फ दोस्त हैं। वहीं डैनी के मुताबिक महेश भट्ट उन दिनों प्रवीण के नए बॉयफ्रेंड थे। उन्होंने भी प्रवीण को समझाया था कि ऐसे कभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर नहीं जाया करते, लेकिन महेश का भी उन्होंने कहना पसंद बिल्कुल नहीं किया। फाइनल कट न्यूज डेस्क। For more updates, please subscribe.